भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में किए जा रहे विजय संकल्प रैली का शुभारंभ करने आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला गोंडा पहुंचे, जहां जनता को संबोधित करते हुए प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला, साथ ही एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी बने। इसके लिए जनता से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के लिए वोट करने के लिए अपील भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार छलिया परिवार है, गांधी जी से इनका कोई लेना देना नहीं है, वो महात्मा गांधी थे, ये माफिया गांधी हैं। प्रेम शुक्ला ने प्रियंका गांधी पर असमान जनक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी बिटिया नहीं चाची है और चाची 420 की चाची है। वे बोलती है संविधान खतरे में है, जबकि खतरे में लोकतंत्र नहीं, उनकी मैया, उनके भैया और उनके सैया खतरे में है। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पाखंडी व नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी बताने पर भी जवाब दिया। प्रेम शुक्ला ने कहा कि जिन्होंने गरीबों को लगातार छला, स्विस बैंक में अपना अकाउंट भरा, जिसके लोग देश में घोटाले करने के आरोप में बेल पर हैं, जिनके कृत्यों को जन जन गा रहा है वो पाखंडी कहेंगे, लोग जानते हैं, इनका खंड पाखंड उजागर है, उनके पास पाखंड का कोई सबूत नहीं है। चोर हमेशा शोर मचाते हैं। भाजपा से नाराज चल रहे बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज पर कन्हैया कुमार के बयान, बल्लेबाज तैयार नहीं और टीम मिठाई बांट रही है। इस पर प्रेम शुक्ला ने जवाब दिया और कन्हैया पर पलटवार करते हुए कहा कि कन्हैया कुमार को पता नहीं है कि बल्लेबाज आते ही इतने छक्के मारेगा कि उनके छक्के छूट जाएंगे। विजय संकल्प रैली में ही गोंडा पहुंची बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा और कहा, राहुल गांधी तो आतंकी को जी कहकर बुलाते हैं और पप्पू हैं जो पासपोर्ट का वीजा कह सकता है, वो पप्पू है, बर्गर को पिज्जा भी कह सकता है, उसने तो केवल जी कहा है, आगे आगे देखिए क्या कह सकता है, पिज्जा और वीजा को जोड़ लीजिए, कहां कहां जी लगा सकता है। अनुपमा जायसवाल ने प्रियंका गांधी के बहाने रावत वाड्रा पर भी साधा निशाना। प्रियंका के प्रयागराज पहुंचने पर कहा कि वहां के किसानों ने प्रियंका से मारुति 100 बाइक हो, मैं 21 की तो मारुति